ओके हेलो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश क्लास में पढ़ेंगे पोजीशन वर्ड। पोजीशन वर्ड का मतलब होता है कि जो वर्ड बताते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं, या कोई जो थिंक रखी है, कोई भी चीज सामान है वो कैसे है। जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं, अंडर, ऑन, इन, नियर, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। तो जो वर्ड ये है, तो ये कौन से वर्ड है, ये क्या कहलाते हैं, पोजीशन वर्ड्स। कौन कौन से, अंडर, ऑन, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये क्या है, पोजीशन वर्ड्स। जैसे किसी चीज का, अब मान लीजिए हम बैठ चेयर पर हैं, तो चेयर मैं कहां बैठी हूं, ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर। आपकी बुक है टेबल के ऊपर है, तो वो हम क्या बोलेंगे, द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। टेबल है, उसके नीचे कुछ रखा हुआ है, जैसे उसके नीचे बैग रखा हुआ है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, अंडर द टेबल। तो हमने पूछा कि उसकी पोजीशन क्या है, मतलब हमारे पास बुक है, पेंसिल है, पेंसिल कहाँ है, इन द बॉक्स, पेंसिल बॉक्स के अंदर रखते हैं, इन साइड, इन, तो अंदर है। आपका बॉटल कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर है। फिश है, वो फिश पॉन्ड के अंदर है, इनसाइड, ठीक है। हम रूम के अंदर हैं, इन द रूम, कहाँ है, इन द रूम। अब टेबल है, वो चेयर है, वो फ्लोर के ऊपर है, इन है, ऑन है, अंडर है, तो वो हमें कैसा पता लगेगा। तो जब चेयर तो है, हमने पूछा चेयर कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर ही है ना, नीचे तो नहीं है, ठीक है। अब हम किसी चीज के सामने खड़े हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, जैसे मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड मेरे बिहाइंड यानी पीछे है। सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ और पीछे के लिए बिहाइंड। नियर यानी पास में, इन माने अंदर, ऑन माने ऊपर, और अंडर माने नीचे, किसी चीज के नीचे, जैसे अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, अंडर द ब्रिज, ठीक है। ये क्या थे, तो ये थे हमारे पोजीशन वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, आप उनको देखेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, क्लाउन है, क्लाउन है, ये कहाँ है, बॉक्स के अंदर, इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। द क्लाउड बिहाइंड द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, आगे क्लाउड्स है, उसके पीछे छिप गया है सन, तो बिहाइंड द क्लाउड। द फ्रॉग इज ऑन अ लॉग, लॉग यानी लकड़ी का ऐसे बड़ा टुकड़ा होता है बड़ा सा, तो उसके ऊपर बैठा है, ऑन द लॉग। द बॉय इज अंडर द बेड, बॉय कहाँ है, अंडर द बेड। देयर इज ए ट्री नियर अ हाउस, अब ये ट्री है और ये हाउस है, तो ये ट्री और नियर, ट्री और हाउस नियर है, पास पास है, तो नियर द हाउस। देयर आर कार इन फ्रंट ऑफ हाउस, इन फ्रंट यानी सामने, अब ये हाउस है और ये कार है, तो कार कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ हाउस। नेक्स्ट है, द गर्ल्स आर ऑन द सोफा, गर्ल्स कहाँ पर है, सोफे के ऊपर। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन आर इन हॉट एयर बैलून, एंड नेक्स्ट नॉट लीस्ट, द कैट इज बिहाइंड द कर्टेन। चलिए, इतना समझ आया आपको, तो अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम। देखिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेज ये निकालेंगे, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस को हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, चेयर है, टेबल है, बुक्स है, बास है, लैम्प है, कैट, ये सब चीजें, इनकी पोजिशन क्या है वो हम पिक्चर में देखेंगे और हम बताएंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा, द बॉल इज, अब देखिए बॉल बताइए कहां पर है, द टेबल, टेबल के कहां है, बिल्कुल
इन फ्रंट ऑफ, सामने, इसके सामने, इन फ्रंट ऑफ टेबल. नेक्स्ट है द बॉल इज फ्लोर. फ्लोर यानी जो फर्श होता है. ये टेबल के तो इन फ्रंट ऑफ है लेकिन फ्लोर के ऊपर है. ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर फर्स्ट में आएगा. इन फ्रंट, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ टेबल, इन फ्रंट ऑफ टेबल. सेकंड में आएगा द बॉल इज ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर. नेक्स्ट है द लैम्प इज टेबल. लैम्प कहाँ है? ऑन द टेबल. थर्ड में आएगा ऑन द टेबल. द चेयर इज नियर द टेबल. द चेयर इज नियर द टेबल. द कैट इज इन फ्रंट ऑफ सोफा. कैट कहां पर है पिक्चर में? सोफे के सामने, इन फ्रंट ऑफ सोफा. द बुक्स आर ऑन द टेबल. द मैट इज ऑन द फ्लोर. देखिए द मैट, मैट या ये मैट है, ये ऑन द फ्लोर. मैट इज ऑन द फ्लोर. द बुक्स आर, बुक्स कहां पर है? ऑन द टेबल. बुक्स कहां पर है? ऑन द टेबल. द कुशन इज, कुशन कहां पर है? सोफा पर. ठीक है, ऑन द